एक राय चाहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स पर। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स सभी को पसंद आ रहे हैं। आप ये बताइए कि अब जो बैंक काफी चल चुके हैं, जिन बैंकों का नाम लिया है अभी, आईसीसी बैंक का नाम लिया सौरभ ने, टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली भी सजेस्ट हो ही रहा है, ये बताइए कि अभी भी ये वैल्यूएशन वाइज सही लेवल्स पर हैं क्या? और किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो उसके लिए भी सलाह यही रहेगी कि खरीदारी कर लेनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली वैल्यूएशंस थोड़े से मॉडरेट टू एक्सपेंसिव जरूर हो चुके हैं, लेकिन मार्केट देख रहा है कि ये बैंक की बैलेंस शीट काफ़ी बड़ी है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और आने वाले दिनों में जब क्रेडिट ग्रोथ 13-14% है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा आईसीआईसीआई बैंक को मिलेगा। तो यहाँ से डेफिनेटली इंक्रीमेंटल अपसाइड कम रहेगी, लेकिन अभी भी 1050-1070 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है। मेरे ख्याल से अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो पीएसयू बैंक्स में अभी भी मौके हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के से काफ़ी अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे एसबीआई की बात करें या बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इनके नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आ गए हैं। एसबीआई में तो नॉट ओनली इनका कोर बिजनेस बट उनके सब्सिडरीज जैसे कि एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई एएमसी, ये सारे अभी काफ़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी कोर बिजनेस को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऊपर से अगर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, यानी सरकारी बैंक्स में सॉरी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत अच्छा एक अपसाइड हमने Q1 में देखा है, नंबर्स बहुत अच्छे आ गए। तो जो निवेशक थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड की अपेक्षा करते हैं, इनको ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुकी है, ग्रोथ पोटेंशियल इन बैंकों के लिए भी काफी अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक्स का भी इंक्लूजन अपने पोर्टफोलियो में करें। ठीक है, पीएसयू बैंक भी पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिया है अविनाश जी ने। आज हम देख रहे हैं कि जो खास तौर से जो मिड कैप श्रेणी वाले जो बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट में या फिर पीएसयू में, वहाँ पर हम अच्छी रौनक देख रहे हैं। हालांकि दिग्गज भी चल रहे हैं, लेकिन मिड कैप वाले जो बैंक है वहाँ पर तेज़ी आज अच्छी बनी है। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से राघवेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राघवेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैं राघवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, मैं बीएसएफ से हूँ। जी अविनाश सर से मेरा क्वेश्चन था कि सर, वेल्सपन इंटरप्राइजेस का कुछ शेयर है मेरे पास 128 के आसपास का है सर, तो मेरा होराइजन बहुत दिन के लिए नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो क्या करना चाहिए? वो वेट करना चाहिए, मतलब 6 महीना और रुक सकता हूं मैं, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं? एक तो पहला क्वेश्चन। सेकंड अविनाश सर से एक और था कि मैं 5-10 साल के लिए पीडीलाइट कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाह रहा था, तो क्या थोड़ा सा वेट करूं, क्या राइट टाइम है एंट्री का या क्या है? अविनाश सर अगर गाइड ठीक करें है। तो राघवेंद्र जी, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज जो देश का फाइनेंशियल सिस्टम है उसके भी आप नब्ज पकड़ के रखते हैं। और थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत योगदान रहा है सर, और निकुंज सर को मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, उनसे बहुत इंस्पिरेशन आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। लोगों ठीक है, आपके दोनों स्टॉक पर राय जानते हैं। आपके पास है वेल्सपन एंटरप्राइजेस के स्टॉक, 120 के भाव पर हैं, 100 शेयर, और पिडिलाइट पर व्यू चाहिए। अविनाश जी आपसे ही चाहिए, बताइए दोनों स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए वेल्सपन एंटरप्राइजेस इन्होंने काफी अच्छे एंट्री भाव पे लिया है, मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीना है तो डेफिनेटली और भी अपसाइड यहाँ पे मिलेगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियरली कंपनी में पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर जरूर था, लेकिन ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर 6 से 12 महीने है तो अच्छी खासी कमाई इस लेवल से भी हो सकती है। तो डेफिनेटली स्टॉक अपने रडार पे रखिए, और होपफुली अच्छा रिटर्न उनको 6 से 12 महीने में मिलना चाहिए। दूसरा सवाल इनका था पिडलाइट पे, तो डेफिनेटली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिडलाइट में पैसा लगा सकते हैं, पूरा पैसा मत लगाइए, एसआईपी से थोड़ा थोड़ा हर महीना निवेश करिए, और मुझे लग रहा है कि अगले 10 साल नहीं बट अगले 3 से 4 साल में ही अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। पिडलाइट एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड एडहेसिव कंपनी है, और सभी जानते हैं कि इनका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, तो जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है मुझे लग रहा है कि पैसा अच्छा बनेगा, लेकिन डेफिनेटली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदिए, क्योंकि लमसम में खरीदने के लिए मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ठीक है, पिडिलाइट ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा महंगा अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, लेकिन महंगी अच्छी चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आप पिडिलाइट आपके लिए खरीदारी की सलाह है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आज भी देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है।